वेलकम अलमोजेस साहब। जी। आदाब अमित साहब, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बढ़िया। सचवाला साहब, मैं देखें आप के पास में बार बार आ रहा हूँ क्योंकि आपसे बात कर क्या मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन मुझे मज़ा आता है। मैं सोचता हूँ कि आपसे सीखने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और शायद मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ें जाविए अपनी तरफ से पेश कर सकूँ जिसकी बुनियाद पर शायद आप बाद में कुछ सोचना चाहें। अच्छा, चलेगा सचवाला हाँ, साहब? डिस्कनेक्ट हुआ, आई थिंक नेटवर्क का इशू होगा। तो आप अच्छा, कोई बात मुझे नहीं। अलमोजिस जी एक काम कीजिएगा, आयतें कुरान की जो आप रिसाइट करते हैं या जो बोलते हैं, मुझे जी जी जरा ये बता दीजिएगा, हाँ तो बिल्कुल, मैं आपको कुछ बताता जाता हूँ। घंटे हाँ साथ सर, में ले आता हूँ, साथ साथ में, तो ठीक, ताकि लोगों को ये भी मिलती रहे, कुरान की बिल्कुल आयतें जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं तो लोगों को दिखती भी रहे। बिल्कुल ठीक है। जी, आ गए सचवाला जी, वेलकम अगेन सचवाला जी सर। जी शुक्रिया। वो नेटवर्क का शायद कोई जी प्रॉब्लम था जी मेरे पास। जी जनाब, फरमाइए, क्या कह रहे थे आप? तो मैं ये कह रहा था सचारा साहब कि अगर हमारी थोड़ी सी बात बीच में रह गई थी, मैं आपका और वक्त नहीं लूँगा। मैं शायद आज थोड़ी सी बात आपसे कर सकूँ तो कर सकूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आपको भी बोर नहीं करना चाहता सेम बात पे बात नहीं, करके। आज डिस्कशन का दिन है तो सर आज आप बात कर सकते हैं। जी ठीक है, अच्छा बात करें चलें, आप, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा चलें, जी जनाब, शुक्रिया। तो सबसे पहले मेरी मेरी ये राय थी, अगर आप मंजूर करें, कि मैं आपकी बुनियाद से जो आपके जो मेन इतराज़ समझाऊँ वो दो सवाल हैं जिस पर मैं चाहूँगा कि मैं बात कर सकूँ। पहला सवाल ये है, क्या इस किताब यानी कुरान के ऑथर ने के कातिब ने रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी है कि उसने इस किताब को भेजा है? पहला सवाल, क्या उसने खुद इस चीज़ को माना नहीं है, ये तस्लीम किया सवाल है नहीं, या नहीं? नहीं, ये मेरा सवाल नहीं है। अच्छा, ये सवाल मैंने कहाँ किया था? मैं तो आपकी बात से अभी तो यही समझाऊं कि इस किताब को जिसको हम सारे दुनिया में मानते हैं, चलो हम मैं चलो हम एकेडमिकली बात करें, मुसलमान कहते हैं खुदा की लिखी हुई, खुदा की भेजी हुई किताब है, उसमें आपका एतराज़, ये मैं खुदा जब की तक नहीं, ये अल्लाह समझाऊं, की। नहीं मैं आपका एतराज़ ये समझाऊं कि आप ये कहते हैं कि खुदा ने इस चीज़ को खुद तस्लीम नहीं किया है कहीं भी इस किताब में कि वो इस किताब को के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। देखिए, मेरे मेरे सवाल को जो है, कुरान को लेकर मेरा असल जो सवाल है, मैं एक बार फिर दोहरा दूं, और यही बात मैंने मुफ्ती साहब के सामने भी की थी। एक सवाल तो ये था कि मुफ्ती साहब ये फरमा रहे थे कि ये सुपर कॉन्शियस जो है वही अल्लाह है। तो मैंने उनसे जब पूछा कि इसका क्या सबूत है आपके पास, वो जो सुपर कॉन्शियस है उसी का नाम अल्लाह है, इसका आपके पास क्या सबूत है? ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि उसी अल्लाह ने इस किताब को भेजा और इसका मुतकल्लिम वही अल्लाह है, इसका क्या सबूत है? ये ठीक मेरे है, मैं दो आपका, सवाल अच्छा थे। ठीक है, तो मैं पहले सवाल पे बात नहीं करूँगा क्योंकि कॉन्शियसनेस की बात से आप भी मुत्तफिक हैं, उसको जो भी नाम दें, और वो मुफ्ती साहब से नहीं आपकी नहीं क्या जो भी बात नाम, हुई नहीं है? नहीं 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 जो भी नाम देंगे फिर जो है आप बाजू हट रहे हैं, समझो नहीं, आपको नाम यानी मुतय्यन तौर पर देना पड़ेगा तभी बात हो पाएगी। देखिए, देखें मेरे कि नज़दीक किसी तो के मेरे होने से, नज़दीक नहीं देखिए सुनिए मेरी बात, आप बोलिए, आप किसी बोलिए। के होने का मैं मुनकिर नहीं हूँ, ये बात तो मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ। ठीक मुफ्ती है, साहब के पास जाने से बहुत पहले से मेरा ये जो है ये समझना है, या फिर ये मेरा ये बात मैं कहता रहा हूं कि कोई सुपर कॉन्शियस है, हो सकती है, इसका मैं इनकार नहीं करता, लेकिन वो ठीक है, कौन है, कहाँ है, कैसी है, क्या है, ये मैं नहीं जानता। इसके ठीक जवाब है, में जब मैंने ये सवाल किया तो इसके जवाब में मुफ्ती साहब ने जो जो बताया वो सारी बातें उनकी अपनी या उनके मजहब की या उनके मजहब की किताबों से लेकर वो मेरे सामने रख रहे थे। अगरचे कि वो कह रहे थे कि जो है ये अकली बुनियादें, नहीं अकली बुनियादें नहीं है, क्योंकि हर मजहब की उसकी अपनी जो है काबिलात हैं, उसकी अपने तसव्वुरात हैं खुदा को लेकर, आप समझे ना। तो इसलिए आप सुपर कॉन्शियस कहकर उसको खुदा कहना और ये कहना कि सारे मजहब इस बात पर मुत्तफिक है, नहीं, सारे मजहब इस बात पर मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि हर मेरा, मजहब का खुदा अलग है, हर मजहब की आप सही कह किताबें रहे हैं, अलग हैं, आप सही समझे कह ना। रहे हैं। तो इसलिए मैं आप बात करें इस्लाम के दायरे के अंदर, नहीं, मैं क्योंकि तो इस्लाम के आप दायरे में, इसका, मैं जी इस्लाम के आप दायरे में रह समझिए, के भी मैं इस्लाम के दायरे में रहकर भी बात नहीं करूंगा। मैं ये चाह रहा था, देखिए मुफ्ती साहब साहब की जो बात है वो आपके उनकी बीच की बात है, मैं आपके जी पास बैठा हुआ हूँ एज अ कम्प्लीटली थर्ड पर्सन। मैं तो मुफ्ती साहब की बहुत सी बातों से एतराज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहाँ मैं आपसे अग्री ज़्यादा करता हूँ,
बजाय के मुफ्ती साहब के, और कुछ जो उन्होंने चीज़ें की डिबेट में वो सही नहीं थी, जैसे कि देखिए मैं एक 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 क्या कहते हैं एक गैर जानबदार शख्स होकर कह सकता हूँ, जब उन्होंने आपको बोला कि अरबी की किताब पढ़ो, एक किताब आपके सामने रखी, मेरे नज़दीक एक तालिब इल्म की हैसियत से आपने वो अरबी सही बोली थी। हाँ, उसमें आपने कुछ यानी यस्कुर है मजहूल है या वो कौन सी यानी किस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे कौन से एराब को यूज़ करना है, किसी ने कहा कि ये आपने यौमी नहीं बोला ये खाली यौम बोला, तो वो तो बात बड़ी मेरे नज़दीक बचकाना सी थी इस सेंस में कि आजकल के अरब, मैं उनसे रोज़ बात करता हूँ, मैं फुसा के रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ, कोई भी अरब एराब यूज़ नहीं करता, हद तक कि किताब पढ़ते हुए भी यूज़ नहीं करते। देखे ना, जो जो सही बात है वो सही बात है, तो गलत बात है गलत बात है, लेकिन इख्तसार से मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि मैं आपसे सिर्फ यह गुफ्तगू करना चाहूँगा कि कुरान के अंदर, कुरान के रूह से, ना मैं चाहता हूँ कि मैं तारीख़ को घुसेड़ूँ, ना मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कहूँ कि उस किताब में ये लिखा है या वहाँ ये लिखा है, नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आपसे इस बारे में गुफ्तगू करूँ कि इस किताब के अंदर, इस किताब की रूह से फ़कत क्या इस किताब को भेजने वालों ने मुतकल्लिम के अंदाज़ में खेले, मुतकल्लिम के अंदाज़ में इस किताब के पीछे अपने होने की जिम्मेदारी कबूल की है या नहीं की है। अब वो कौन है उस बारे में मैं आपसे सेकंड तौर पे बात करना चाहूँगा कि पहली बात, अगर हम इस बात पे मुत्तफिक हो जाएं कि इसके पीछे मुतकल्लिम की आवाज़ है, मुतकल्लिम यानी वो शख्स जो कह रहा है कि ये चीज़ हमने भेजी, मैंने भेजी, जो भी भेजा, अगर उस चीज़ पर इत्तफाक़ है तो उसके बाद इस चीज़ को बोलने का क्या उसलूब है, क्या तरीक़ा है, उसको हम किस तरीके से हिस्ट्री की बुक से परखें या इससे परखें, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो मुफ्ती साहब की बात मैं अपने आप को उसमें नहीं उलझाना चाहता, मेरे आपसे गुजारिश यही है कि अगर आप बराए मेहरबानी मुझे आप हमें 6-7 मिनट दे दें, अमित साहब से पहले बात हो रही थी, मुझे आप पूरी बात कर लेने दें क्योंकि मैं अपना मुकदमा आपके सामने पेश कर सकूँ, एक पूरी बात में मेरी एक रब्त बनाकर मैं आज आया हूँ कि क्या इस किताब में इसके भेजने वाले ने मुतकल्लिम होकर इस चीज़ को कबूल किया है, अगर किया है तो कैसे किया है, और तीसरी बात अगर आप चाहें तो गुफ्तगू कर सकते हैं कि इस चीज़ को उसने ऐसे क्यों बयान किया है। मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप 7 मिनट मुझे दे दें, मैं बोल लूँ, उसके बीच में या बाद में अगर अमित साहब चाहें तो आयतों को खोल भी सकते हैं, या आप कहें तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूँगा, जितनी लंबी बातचीत करना चाहें हम, मैं हाज़िर, मैं आपसे सच्ची बात में कहता हूँ, सीखने के लिए बैठा हूँ, लेकिन और मैं मुनाजरा नहीं चाहता, मुझे मैं हकीकत में कहता हूँ सर चला साहब, डिबेट्स में कोई बंदा ना जीता है ना जीतेगा, ना किसी की सोच आज तक चेंज हुई है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी बात कर सकूँ, मैं आपकी बात सुन सकूँ, आगे आपको शायद को मेरी बात अच्छी लग जाए, शायद मेरी बात आपको कोई अच्छी लग जाए, क्या आप कह रहे हैं? मैं आपको 1-5 मिनट जो है दिए जाएंगे, आप अपनी बात रखें, उसके बाद फिर उस पर जो है मैं सवाल करूँ, चलें मुझे बात चलिए मुझे बात करने दीजिएगा। अच्छा सर, आपके पीछे बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है अमित साहब, ये मुझे ऐसे आवाज़ आ रही पीछे हवा की, शायद आपके पीछे शायद बैकग्राउंड नॉइज है ये। हाँ, अब बहुत साफ हो गया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हाँ, सचवाला जी के पीछे से आ रही है, सचवाला जी आप जरा म्यूट कर लीजिए फिर एक बार, तब तक ये अपनी बात कर लेते हैं। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। हाँ सचवाला साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात, पहला सवाल जैसे मैं कह रहा था, क्या इस किताब कुरान के ऑथर ने, कातिब ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया है और मुतकल्लिम बनकर यानी कहने वाला, इस किताब को भेजने वाला, अपने आप को प्रेजेंट टेंस में हाजिर नाते जान के इस चीज़ को कबूल किया है या नहीं किया? जैसे मैं पहले कह रहा था, मेरी ये कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ कुरान की रूह से, सिर्फ और सिर्फ कुरान की आयतों से ये नतीजा निकालने की कोशिश करें क्या इस किताब के मुताबिक, इस किताब के लिखने वाले ने अपने आप को जाहिर किया है कि नहीं किया। तो पहला सवाल, आयत नंबर पहली, अगर आप चाहें अमित साहब तो खोल लें या भले बाद में खोल लें, आपकी मर्जी। आयत नंबर बोल दीजिए। सूरह इंसान की 23rd आया। सूरह इंसान बोले तो नंबर, सूरत का नंबर। अच्छा नंबर, मैं ऐसा देखता जाता हूँ फिर। सूरह इंसान है 76 23। इंसान की 23। जी हाँ, तर्जुमा उसमें आप साथ में इंग्लिश में भी है, उर्दू में है, हिंदी मुझे नहीं आती, अगर है तीनों में। अच्छा ठीक है, बस सही है। तो इन्ना नहनु नज़लना अलैका अल-कुरआन तंज़ीला। तो अभी अगर हम इसको तर्जुमे से पढ़ें, इन्ना, श्योरली हमने,
नहनु हम नज़लना हम ने भेजा अलैका तुझ पे अल कुरान तंजीला कुरान द कुरान एक तंजील एक नाजिल की भी शक्ल में. दूसरी आयत अगर आप खोल लें सूरह यूसुफ की पहली और दूसरी आयत प्लीज. सूरह यूसुफ है नंबर 12. ठीक है, तो अलिफ लाम रा तिलका आयतुल किताबिल मुबीन. और ये आयत बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, क्योंकि इसमें मैं बाद में भी आऊँगा. अलिफ लाम रा तिलका आयतुल किताबिल मुबीन. अलिफ लाम रा ये नॉट ये दोस वो आयत हैं मुबीन किताब की. अब नेक्स्ट आयत पे जाएंगे तो वो किस किताब मुबीन की बात हो रही है. इन्ना अनज़लना हो शोरली हमने, ये इन्ना का मतलब है शोरली हमने अनज़लना हो हमने उसको सेंड किया. ये मैं हम बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ताकीद के सेंस में असल टेक्स्ट के अंदर रिपीट की करके बात आई है. शोरली हमने सेंड किया कुरान को, हमने सेंड किया इसको किताब मुबीन को कुरान बना के अरबिया में लअल्लकुम तअक्लून, ताकि तुम लोग अपनी अकल को यूज़ कर सको. एक और आय मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि फिर वक्त लंबा हो जाएगा, लेकिन वो ये थी व नुनज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल मुमिनीन, और हम भेजते हैं इस कुरान में से जो कुछ शिफा है और मुमिनीन के लिए रहमत. तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जो मैं सच वाला सा, अच्छा पहली बात ये मेरे नज़दीक इसमें बड़े वाज़ह तरीके से एक बोलने वाले जो भी ग्रुप कह लें आप उसको, उसने कबूलियत ली है कि हमने नहनु इन्ना इस चीज़ को नाजिल किया एक अरबी कुरान बनाकर. अभी सवाल ये पैदा होता है नहनु या हम कौन है, ये कौन वो हम है जिनकी बात की जा रही है. क्या हम ये कह सकते हैं कि ये हम मतलब एक खुदा, क्योंकि ये सवाल कुछ लोगों के जहन में आ सकता है. इसके लिए मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी लॉजिक पेश करूँगा जिसमें जो हम हर कोई जानता है, इफ़ ए इक्वल सी बी इक्वल सी देन ए इक्वल्स बी. ये दूसरे अल्फाज में अगर एक शख्स से हम ये दो जुमले सुने, वो पहला जुमला ये शख्स बोले हम आज के हिंदुस्तान के शहनशाह हैं, और वो दूसरा सेंटेंस बोले हिंदुस्तान के अभी के शहनशाह का नाम अकबर है, तो जिस भी शख्स को उर्दू समझ में आती है हिंदी आती है वो ये बात को समझ जाएगा कि भले ये बात दो डिफरेंट स्टाइल्स में की गई है कि एक जगह पे वो बंदा थर्ड पर्सन में के बात कर रहा है, एक में वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन बना के बात ला रहा है, वो भी थर्ड पर्सन यानी इन्ना हम करके बात कर रहा है, असल में वो बात एक ही बंदे की हो रही है. वो एक ही बंदा अपने बारे में दो मुख्तलिफ अंदाज़ों से बात कर रहा है, एक दफ़ा गायब किसी वे में कि बेशक जो आज के हिंदुस्तान का शहनशाह है वो है उसका नाम अकबर है, और दूसरा ये कि हम इस मुल्क के शहनशाह हैं. क्या इस लॉजिक को हम कुरान में इस्तेमाल कर सकते हैं, बात यहाँ पे आ रही है. क्या हम कुरान में ये कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे नहन कुछ फेल कुछ वर्ब्स के साथ यूज़ हुआ है वो हुआ यानी ही के सीगे पे जा सकता है. मैं छोटी सी बात करूँगा, सिर्फ दो फेल फेल यानी इंग्लिश में वर्ब्स, सिर्फ दो वर्ब पेश करूँगा खलाका. तो अगर आप आया खोल लें 1526 अमित भाई जी, 15 की 26 जी एक्स जी. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वलकद और बेशक खलक ना हमने क्रिएट किया, हमने ये मैं इस बात पे जोर डाल रहा हूँ खलक ना हमने पैदा किया अल इंसान को. ठीक है, अब दूसरी आया पे जाएं 16:4, ये सब अगर हम याद रख सकें कि इस आयत में क्या बात हो रही है, हमने पैदा किया इंसान को. इस आयत में बात हो रही है खलकल इंसान, खलका. अब इसको उर्दू में अगर हम बोलेंगे तो उसने पैदा किया इंसान को. तो पहली आयत में हमने पैदा किया इंसान को, दूसरी आयत में उसने पैदा किया इंसान को. तो क्या इस चीज़ को हम एक अरबिक में कहते हैं सुदफा, उर्दू में क्या कहते हैं उसको, एक इंग्लिश में कोइंसिडेंस, क्या इसको हम खाली कोइंसिडेंस मान लें कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ खलाका के लिए आई है? नहीं, ये चीज़ नज़ला के लिए भी आई है, और ये वही फ़ेल है जिसको खुदा ने पहली आयतों में यूज़ किया था कुरान को सेंड करने के लिए. तो अगर आप अब 3:3 खोल लें अमित साहब, 3:3 जी हाँ, सूरह आल इमरान की, आल इमरान की थोड़ा जी हाँ नंबर 3. मतलब आपको तो सारा कुरान आता है ऐसे अमित साहब, मुझे आपसे पहले बातचीत नहीं है, लेकिन आपको सब पता है कहाँ जाना है. अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नज़ला
عليك الكتاب بالحق مصدقا لما نزل نزل उसने तुझ पे भेजा अल किताब को. अब क्या ये दो विंडोज खोल सकते हैं साथ में सर, कि एक आया यहाँ पे जाए, एक आया दूसरी साइड पर आ जाए? नहीं सर, एक साथ दो दो विंडो तो नहीं आएंगे. अच्छा, तो ये इस आयत पे मैं एक दफा दोबारा ध्यान दरा के मैं चाहूंगा कि हम एक आयत पे जाएं जो मैंने पहले पेश की थी. यानी इस आयत में मैं दोबारा दोहरा दूं, नज़ला अलैका, उसने तुझ पे भेजी अल किताब. अब अगर आप दोबारा चले जाएं सूरह यूसुफ की पहली दूसरी तीसरी आयत पे, नंबर 12 आयत है, ठीक है, अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, वो है आयतें किताब मुबीन की जो हम किताब को अभी अभी पढ़ कर आए. अब आप नेक्स्ट आयत पे जाएंगे तो इन्ना अनज़लनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम तअक़िलून, उर्दू में हम श्योरली हमने बेशक हमने हमने भेजा कुरान अरबी ताकि तुम लोग अकल पा सको. तो ये इन दोनों फ़ेलों से जो मैं चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, अब मैंने बहुत कम आयतें इख़्तिसार से ही पेश किए हैं कि इन दोनों चीज़ों में मेरी नाचीज़ की अकल में ये बात बड़ी सही फहम से आ रही है कि अगर एक इंसान उर्दू में मुझे बोलता है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, हम आज के हिंदुस्तान के शहनशाह हैं, वो दूसरा सेंटेंस बोलता है हिंदुस्तान के अभी के शहनशाह का नाम अकबर है, तो बड़ा सिंपल सा ये मैं कहता हूँ लॉजिकल रूल है, ए को सी बी को सी ए को बी, तो वो बात एक ही इंसान की डिफरेंट पैरायों में हो रही है, ये हम किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे. अब जो सर शाला साहब का दूसरा इतराज मैं समझा था, अगर मैं गलत समझाऊँ तो मैं इससे माफ़ी तलब करता हूँ, सर शाला साहब बाद में तसीख मेरी कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल ये था कि कुरान ऐसे उसलूब इख्तियार करता ही क्यों है, वो क्यों एक ही वक्त में कभी ही यूज़ कर रहा है, कभी प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहा है, कभी पास्ट टेंस यूज़ कर रहा है, कभी वैसे. तो उसके जवाब में मैं अगर एक शेर के साथ मुझे शेर नहीं सुनिए मैंने ऐसा इतराज़ किया ही नहीं, मैंने कब कहा कि जो है ऐसा क्यों करता है, ये आप समझ रहे हैं, आप कर रहे हैं. देखिए मेरा अभी तक सवाल का आपने जवाब ही नहीं दिया. मैं अभी भी बात आपने तकरीबन देखिए आप वो बात ना करें जो मैंने नहीं की. ठीक है, अब मैं अपनी बात आपसे इतराज़ नहीं है कि कुरान ऐसा क्यों यूज करता. मैं सिर्फ ये पूछता रहा हूँ हर बार कि क्या अल्लाह कुरान का मुतकल्लिम है, ये मेरा बुनियादी सवाल है और मुस्तकिल सवाल है. मुझे आप दो मिनट और दे दें. सारी आयतें बताने के बावजूद आपने कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया. जी अभी कंटिन्यू कीजिए. हाँ, दो मिनट आप और दे दें. मैं आपको पहले कहा था कि मैं गलत समझाऊँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ. ठीक है, आपको शायद ये सवाल नहीं, मेरे खुद के जहन में ये सवाल आया. ठीक है, मैं अपने लिहाज से कह रहा हूँ, शायद को और लोगों के जहन में ये बात हो कि ऐसी बात क्यों की जा रही है. उर्दू में मैंने एक शेर पढ़ा था, मुझे वो बात ना कीजिए आप जो मैंने नहीं कही. मैं आपकी बात नहीं करना चाहता साहब, अदब के साथ. मैंने आपको दोबारा माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपको गलत समझा उस चीज़ पर. मैं एक बात को बढ़ाने के सेंस में और बात को निचोड़ निकालने के सेंस में इख्तिताम पे लेके जा रहा हूँ, उसके बाद आप मेरा तिया पांचा करना चाहें तो भले करें, मैं हाजिर हूँ. ठीक है, तो मैं उस पर ये कह रहा था कि छोड़ के देर काबे को आया मैं, जिसको चाहे खुदा ख़राब कर दे. या इंग्लिश की मेरी फेवरेट बुक है 1984, उसका पहला जुमला, इट वॉज अ ब्राइट कोल्ड डे इन अप्रैल एंड द क्लॉक्स वर स्ट्राइकिंग 13. कहने का बात ये, मैं इख्तिसार से बात ले रहा हूँ, ये सारे के सारे लिटरेरी डिवाइसेस हैं. मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या कहते हैं, अरबिक में उसको उसलूब कहेंगे, उसलूब लोगा, उसलूब लिसान, बात करने का तरीका. बात करने का तरीका ऐसा कि इंसान जो उसको सुन रहा हो, उसको पढ़ रहा हो, उसके पास एक बात को मुख्तलिफ जावियों से लेके जाके समझाया जाए. और ये चीज़ दुनिया के हर लिटरेचर में मौजूद है, हर चीज़ के अंदर मौजूद है, कि जहाँ कहीं पे एक बहुत मास्टरपीस लिटरेचर का आया है, ना सिर्फ ये कि उसने उन पुरानी जो डिवाइसेस थे उनको यूज़ किया है, बल्कि उनको इम्प्रूव किया है, पुराने वाले उनको डिस्ट्रॉय किया है. सूरह फातिहा पे हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, मैं भी बात नहीं करूँगा, लेकिन छोटी सी बात के यानी कुरान के अंदर ये चीज़ बार बार पेश हुई है, जैसे कुछ चीज़ें जो हमारी फ्यूचर में होनी है, यौमुल क़ियामा, जन्नत और दोज़ख़ के लोगों के बीच में बातें, कुरान के लिखने वालों या लिखने वाले जो कोई भी उसको आप माने, उसके नज़दीक उनके नज़दीक ये चीज़ें बजाय फ्यूचर में होने के पास्ट टेंस में हो रही हैं. तो बात के इख्तिताम ये कि मैं अपने तीन सचाला साहब जो आपकी बात समझा था, क्या कुरान ठीक है, मुझे शुरू में गलती थी, मुगालता था जैसे आपने कहा, अभी भी मैं ये समझता हूँ कि आपका सवाल क्या कुरान में मुतकल्लिम कहने वाला इस कुरान के पीछे अपनी जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर रहा है, और अगर कर रहा है तो कैसे कर रहा है, और क्यों उन उस असलीब पे कर रहा है. आपने कहा आपका असलीब पे एतराज़ नहीं है, ठीक है मैं नहीं करता, लेकिन अगर सिर्फ कुरान की आयतों को उठाकर हम कुरान के भेजने वाले को देखें
तो मैं जानना चाहूंगा, ये चंद आयतें जिस पे हमने बात की, वो आप क्यों नहीं कहते, आप क्यों नहीं समझते कि ये इसमें भेजने वाला ये नहीं कह रहा कि इस किताब के पीछे है भेजने वाला, और वो वही है जिसने तुम लोगों को पैदा किया, जिसने तुम लोगों पर ये चीज को उतारा, तो इस चीज को आप क्यों तस्लीम नहीं कर रहे? आपकी बात मुकम्मल हो गई मोहतरम। बोलिए बोलिए। बहुत 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 शुक्रिया पहली बात सचिव साहब, आपने मुझे बोलने दिया, आपका मैं मेहमान हूँ, आपका ये प्लेटफॉर्म है, आपने मुझे टाइम दिया। बोलिए। 10 मिनट से ज़्यादा लिए हैं आपने, तब ठीक है। देखिए सुनिए, आपने जितनी आयतें पेश की इनमें से किसी से भी ये वाज़ह नहीं होता कि इस कुरान में अल्लाह खुद मुतकल्लिम है। मैं बात कर रहा हूं अल्लाह की, और आप हर बार इन्ना नहनु की बात कर रहे हैं। इन्ना नहनु की, इन्ना और नहनु पे मेरा एतराज है ही नहीं, इन्ना और नहनु पे मेरा एतराज नहीं है। मैं कह रहा हूं कि इन्ना और नहनु वो मुतकल्लिमीन हैं जिन्होंने कुरान को लिखा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इतने 10 मिनट दिए गए ना, आप क्योंकि 10 मिनट में भी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। अच्छा, आप वो कह रहे हैं जो मैंने कहा ही नहीं, और आप मेरे सवाल का जवाब दिए ही नहीं। मैं आपसे बार बार ये, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान या मुसलमान उलमा से ये सवाल कर रहा हूं कि क्या अल्लाह खुद कुरान का मुतकल्लिम है? क्या अल्लाह खुद हमसे मुतकल्लिम है? ये मेरा सवाल है। जी हाँ, इसका जवाब आपके पास नहीं है। कहाँ है अल्लाह? मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की बात कर रहा हूँ। अगर मैं क्या मैं आपका आंसर दूँ इसका सच वाला साहब? देखिए, मैंने आपसे यही अर्ज की थी, दो खलका और नजला के फेल, सिर्फ दो फेल उसने अल्लाह कहा है जनाब। सच वाला साहब, आप जो भी है खलका में गायब का सेवा है ना मेरे मोहतरम। अच्छा, तो अगर आप चाहें आप अल्लाह को बताइए कि अल्लाह ने कलाम, अगर आप देखिए, मैं आपको मिसाल दिया हूँ। देखिए, वो जो सूरह ताहा की 14वीं आयत है, إِنَّنِي أَنَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, इसमें जो अल्लाह जिसे कहा गया है वो बराह रास्त मूसा से हम कलाम है। क्या ऐसी कोई आयत है कि जो अल्लाह इंसानों से हम कलाम है? मैंने यही चीज सच वाला साहब, मैं आपसे तो मेरे सवाल का जवाब है नहीं आपके पास। मैं आपसे यही कह रहा था, मैंने आप देखिए, मेरी मेरी जो अकल है, मुझे बात समझ फिर आपकी बात नहीं समझ पाया। मैं ये आपको ईमान रखते हैं, जाहिर बात है ये आपका ईमान है, लेकिन आपका पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है ना। मेरा ईमान नहीं है, आपने जवाब ही नहीं दिया। लेकिन मैं आपको फिर दोहरा देता हूँ, इन्ना नहनु अल्लाह का है मेरे भाई, अल्लाह का है। ये इन्ना नहनु पे मेरा एतराज नहीं है मेरे मोहतरम, इन्ना नहनु पे मेरा इतराज नहीं है। मेरे नजदीक इन्ना नहनु कातिबीन कुरान है। वो फिर किताब के रूम में से तो बात नहीं होगी ना, वो तो हम किताब से बाहर चले गए। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, अल्लाह कहाँ पर मुतकल्लिम है? अल्लाह फर्स्ट पर्सन कहाँ? देखिए, मैं आपसे फिर भी अल्लाह एज ए फर्स्ट पर्सन हमसे कहाँ कलाम कर रहा है मुझे बताइए। पूरा कुरान कोई एक आयत पेश करें, ठीक है? हम और आयतों में नहीं जाते, ठीक है? अगर हम सूरह इंसान की वर्स 23 अगेन ओपन कर लें, क्या आप मुझे ये समझा सकते हैं, अगर अमित साहब की किताब खोल लें, मुतकल्लम की बात पे मैं भी जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी आपको। और जो है अलैका से क्या, आप पहले ये साबित करें अलैका पे से मुराद अल्लाह है, आप ये साबित करें। ठीक है, मैं बात दोबारा दोहरा देता हूँ, इन्ना नहनु, अगर उसको उर्दू में हम बड़े सिंपल तरीके से बोलें, बेशक हमने नज़लना, हमने भेजा, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा, भेजने वाले इस किताब को, इस चीज को कह रहे हैं कि हमने इस कुरान को तंजील, एक नाजिल शुदा हालत में भेजा। मैंने आपसे पहले इस बात पे, मैं आपसे इसी बात पे, मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर हम तारीख पे जाएंगे तो वो ऐसी लंबी बहस है। मैं कुरान का तालिब हूं, आप कुरान के अंदर से जवाब दीजिए, आप बाहर जाने की ठीक है? नहीं, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये कुरान अल्लाह का कलाम है, जाहिर बात है आप इसको साबित करने के लिए कहीं बाहर जाए, ताहा हुसैन की या हसन निजामी की किताब का हवाला नहीं जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं क्या सोच रहा हूँ, आप कुरान के बाहर मत जाइए, आप कुरान के अंदर रहकर कुरान की कोई एक आयत पेश करें जिससे ये साबित हो कि ये जो है अल्लाह हमसे कलाम कर रहा है, हमसे मतलब हम इंसानों से।
आपसे या हमसे कलाम कर रहा है जी, कोई एक आयत पेश करें। ठीक है, तो ये आयत मैं दोहराऊं, उसके बाद मैं सिर्फ एक आयत और पेश करूं ताकि बात लंबी ना खींचे। लेकिन मैं ये कहूंगा, देखिए आप फिर इन्ना नहन की बात कर रहे हैं, इन्ना अंजलनाहु कुरआनन अरबियन लअल्लकुम ताकिलून, ये अल्लाह नहीं है, मैं बात कर रहा हूं अल्लाह। आपसे यही रابطہ मैं कोशिश की थी शर्मा के पास समझाने की, देखिए कोई एक आयत पेश करें, कोई एक आयत। कुरान में तकरीबन 6666 आयतें हैं, तकरीबन क्योंकि अभी तक जो है उलमा इस्लाम के दरमियान जो ये फैसला नहीं हुआ कि कुरान की एग्जैक्ट आयतें कितनी हैं, आज तक फैसला नहीं कर सके, वो इतना खोखला मामला है। तो इसलिए मैं तकरीबन कह रहा हूँ कि कुरान की 6666 आयतों में से कोई एक आयत पेश कीजिए जिसमें अल्लाह हमसे कलाम कर रहा, कोई एक आयत। आपने बोल लिया सर, चला सर, अगर आप पेश नहीं कर सकते तो फिर आपका मुकदमा ही जो है बिल्कुल बेबुनियाद ठहरा, आपका मुकदमा बेबुनियाद ठहरा ना। कोई एक आयत पेश करें कुरान से, देखिए मैं, क्योंकि आप बात कर रहे हैं कुरान की, आप किसी और किताब की बात नहीं कर रहे हैं और मैं भी बात नहीं कर रहा, तो फिर आपको दावा जो है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान की 6666 आयतें अल्लाह का कलाम है। अरे भाई, कोई 6666 आयतों में से कोई एक आयत बता दो जिसमें अल्लाह जो है हमसे कलाम कर रहा हो, कोई एक आयत हमसे कलाम कर रहा हो, हमसे मैंने आपसे ये बात लास्ट टाइम भी, हमसे इंसानों से कलाम कर रहा हो, कोई एक आयत बताएं। लास्ट टाइम तो आपसे इस बारे में बात हुई थी, आपने भी इस बात को तस्लीम किया था, जैसे कुछ आयतों में नहीं, नहीं जवाब, कुछ आयत, कोई एक आयत पेश करें आप, कुछ आयतों की जरूरत भी नहीं बोल रहा हूँ, कोई एक आयत पेश कीजिए जिसमें अल्लाह इंसानों से कलाम कर रहा हो। आप मुझे बात करने देते हैं सर, चला सर, इस चीज की आयत करने जब से दिया ना आपको जो है, नहीं नहीं आपके इस सवाल का किया हूं, आपसे सुनिए, मेरा सवाल क्लियर है बिल्कुल, मैं आपको वही ये सवाल आपसे ने मैं जो है कितनी देर से दोहरा रहा हूं कि पूरे कुरान की 6666 आयतों में से कोई एक आयत पेश कीजिए जिसमें अल्लाह बजात खुद इंसानों से कलाम कर रहा हो। ठीक है, मैंने आपको बात पहले भी बोली थी और आपने इस बात पे एग्री किया था कि सूरह बकरा में जो रोजे की आयतें हैं वो हम दोबारा खोल सकते हैं, उसके अंदर बोलने वाला आपके ख्याल में कौन है, उसमें फर्स्ट पर्सन सेंस में, उसमें फर्स्ट पर्सन क्या है? अगर तुमसे कोई पूछे, देखना अब हमें ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह की ना, देखें मैं सफर साहब आपको कह रहे हैं कि ये कलाम अल्लाह का है, तो कोई एक आयत पेश करो ना जनाब आली, मैं देखें उस बात पे सच वाला साहब उसी बात पे मैं, क्योंकि आपका मामला ईमानियत का है, जाहिर बात है आपका ईमान आपको मुबारक, लेकिन आप या कोई भी फर्द दुनिया का, कोई बड़े से बड़ा आलिम भी पूरे कुरान से कोई एक भी आयत पेश नहीं कर सकता जिसमें यह लिखा हो कि जो है उसमें अल्लाह इंसानों से कलाम कर रहा है। बार बार काफी आयतों में आया है, कहाँ है अल्लाह, अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की बात, अल्लाह मैं आपसे वही अच्छा मुझे आप एक मिनट दे दें सच वाला साहब, मैं आपकी आपको तकरीबन आधा घंटा मिल गया है, और कितने मिनट चाहिए आपको? मैं आपके दावा की बात का आंसर दे दूंगा कि अगर हम चाहें, इन्ना नहनु की बात नहीं कर रहा हूं मैं शुरू से आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं अल्लाह की बात कर, अल्लाह सच वाला सर, मैं आपके सूरह बकरा आप किसको कलामुल्लाह कहते हैं ना, पूरी दुनिया ये मानती मनमाती रही है कि ये अल्लाह का कलाम है, हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है। ये दावा जो है ये हिमालय पर्वत से ज्यादा कहीं ज्यादा जो है भारी भरकम है, लेकिन इनके पास अल्लाह के कलाम होने को साबित करने के लिए कोई चूहे जितनी दलील भी नहीं पाई जाती। ये है इनका जो है अगर खोखला मामला, अल्लाह का कलाम है ये आप साबित कीजिए कोई एक आयत बताकर, कोई एक आयत बताकर। ठीक है, मैं आपको दोबारा वही आते हैं, मैं दुआ पे भी नहीं जा रहा, अरे मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, आप अल्लाह की, फिर आप जो है देखिए आप अपना वक्त भी जाया कर रहे हैं, मैंने आपको मैक्सिमम टाइम दिया, मैक्सिमम अच्छा ठीक है सर, चला साहब मैंने जो इतनी आयतें पेश की उसमें अल्लाह कहीं भी नहीं है, इन्ना नहनु है, इन्ना नहनु पे मेरा इतराज नहीं है, मैं आपसे क्लियर कर चुका हूं कि इन्ना नहनु से मुराद मेरे नजदीक कातिबीन कुरान है, बस खत्म। ठीक है, कातिबीन कुरान ने अल्लाह को गायब बताया, अल्लाह को कहीं पर्दे के पीछे रहकर सारी कारस्तानी जो है वो करते रहे और अल्लाह का नाम तोगरे पे रखा, बस खत्म, यही तो रहा पूरे कुरान में, पूरा कुरान यही है। तो शायद हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह ने मूसा से कलाम किया है, इन्नी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अकीमिस सलात लिज़िक्री,
इस तरह का कोई एक कलाम, कोई एक आयत अल्लाह अगर किसी इंसान से करता हो तो बताइए। देखिए उसमें कलाम कर रहा है, अल्लाह नहीं कर रहा है। अच्छा आप मुझे अगर 2 मिनट देते सर साहब, मैं इजाजत दूंगा। मेरे ख्याल में हम आगे बात नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप कितने मिनट के ले रहे हैं? देखिए मुझे पता है आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अल्लाह का कलाम नहीं कर सकते। एक सेकंड साहब, एक मिनट के सचाला जी, इनको आप अपना सवाल रिपीट कर दीजिए ताकि ढंग से सुन ले। पूरी दुनिया जान चुकी है मेरा सवाल। देखें फिर एक बार मैं दोहरा देता हूँ, अब तक हजारों बार जो है मैं अपना सवाल रिपीट कर चुका हूँ। मुतकल्लिम क्यों नहीं, पूरे कुरान में देखिए, सुनिए अभी सुन लीजिए। पूरे कुरान में अल्लाह हमसे कलाम कर रहा हो, कोई ऐसी आयत बता दीजिए। हमसे, हमसे मुराद ये है कि हम इंसानों से। तो अगर हम सूरह बकरा की उसी आयत को दोबारा, अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अल्लाह तो उस किताब देखें, देखें हमें अल्लाह कहा है, वइजा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दाअतद्दाई इज़ा दाअ, तो हमें लअल्लहुम यरशुदून, इसमें अल्लाह कहा है, लअल्लकुम तअक्लून, ऐसे यरशुदून नहीं है। लेकिन बात बात ये है, वो भी है, अल्लाह कहा है। हमें किसी भी चीज को समझने के लिए कि एक फेल अगर इस्तेमाल हो रहा है, वो भी कर ले, आपकी अपनी ईमानी समझ है, वो ईमान से ताल्लुक है आपकी समझ से। सब आप अकीदे पे ही है सिर्फ, आप अपने ईमान से, आपका अकीदा आपको मुबारक, मैं आपकी अकीदे को छीन नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप 6666 आयतों में से कोई एक आयत बताएं जिसमें अल्लाह हम इंसानों से कलाम कर रहा, कोई एक आयत। मैं इख्तिसार से बात लूंगा, मैं टाइम मिलूंगा आपका, मैं यही कहूंगा सच वाला साहब, 32 मिनट हो गए मेरे भाई, मैं यही कहूँगा सच वाला साहब कि मेरी राय में, मेरे फहम में पहली बात यह कि मैं नहीं समझता मेरे ईमान का ताल्लुक है। मैं मुसलमान पैदाइशी था या नहीं था, कैसे आया, आपको नहीं कर रहा, आपका ईमान है, ठीक है, आपका ईमान, आपको मुबारक। नहीं मैं ईमान की बात नहीं कर रहा, ये मेरे अकल फहम के लिहाज से। जी बोलिए साहब, आप प्लीज ये जो सच वाला जी ने बोला है कि 6666 जितनी आयतें हैं उनमें से एक आयत ले आए जिसमें अल्लाह खुद बोल रहे हैं। Okay, मैंने तो आयतें बहुत पेश की हैं, मुझे बात समझ में आता कि ये नहीं आई है। अच्छा मैं वही बात रिपीट अगर एक दफा कर दूं, आखिरी दफा सच वाला साहब, इन्ना इन्ना नहीं है, सच वाला साहब, इन्ना मेरा इतराज नहीं है मेरे भाई, अल्लाह की बात कर रहा हूं। आप मुझे बात कलाम अल्लाह कहते हैं ना, आप इसे कलाम नहनु नहीं कह रहे हैं, आप मुझे अगर बात नहीं कह रहे इसी, ये बात को मैंने कहा था, इस बात मैंने बात की थी कि खलका का एक फेल नहनु के सेंस में आया है, तो और ही के सेंस में आया है, वो जो भी है वो अल्लाह नहीं है ना, वहाँ पर अल्लाह कहाँ है, बार बार कुरान भरा हुआ है कि हुवल लजी खलकाकुम, उसने अल्लाह गायब है। मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, आप कोई एक आयत, आप जाइए, आप आराम से मुराकबे पे बैठ जाइए, कम से कम जो है एक हफ्ते तक आप खुद भी जो है मतलब मुराकबे में बैठिए और अपने अल्लाह से दुआ कीजिए कि या अल्लाह मैं सचवाला को कायल कर सकूं, वरना ये बोलता रहेगा कि जो है कोई एक आयत मुझे दिखा दे जिसमें तूने खुद जो है इंसानों से कलाम किया। जाइए आप अपने अल्लाह से पूछिए, अपने अल्लाह से लव लगाइए, उससे उससे दुआ कीजिए, हो सकता है आपके आप पर जो है कोई नुजूल हो जाए, कोई बात आपके समझ आ जाए, या तो आप मुझे समझा दें, या तो आप मुझे कायल कर दें, या आप मुझसे मेरा काम किसी को समझाना या जोर पीटी करना नहीं था, मैंने आपसे पहले अर्ज किया था, बात पर कायल हो जाएं या आप मुझे कायल कर दें। क्योंकि देखें मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल बहुत मोटा सवाल है मेरा, कोई बारीक सवाल नहीं है, कोई फलसफियाना सवाल नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ कि 6666 आयतों में से कोई एक आयत बताएं जिसमें अल्लाह इंसानों से कलाम कर रहा है, यानी हमसे, हम इंसानों से कलाम कर रहा है। ठीक है, नहनु नहनु नकसु, ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको आयत, मेरे सामने मैंने पहले भी पेश की थी। है मेरे भाई, नहनु की बात नहीं कर रहा मेरे यार, जो है फिर वही सुन के आप सच वाला भाई मेरे भाई, मैं आपको अहसन القصص بما نزلنا اليك सारी की सारी बात بما اوحينا اليك هذا القران, इसमें अगर मैं आपको, नहनु है मेरे भाई, अल्लाह नहीं है, इसी में देखिए सच वाला साहब, कुरान
कुरान की रूह से, कुरान की रूह से नहनु कौन है इस बारे में नहीं है मेरे भाई। आप एक नहीं एक करोड़ बार बोलते रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं बिगाड़ते, कुछ भी किसी का भी कुछ नहीं कर सकेंगे। आप अपना भी वक्त जाया कर रहे हैं, मेरा भी वक्त जाया कर रहे हैं चले ठीक है। देखिए मैं किसी को, हर किसी की अपनी समझ है, मैं आपका और टाइम नहीं लूंगा सिर्फ साहब। मैंने अपने नजदीक तो मेरे नजदीक बहुत समझ वही है जो पूरी दुनिया की समझ है। कोई भी शख्स मेरा जो है, अगर 4 साल का बेटा भी पूछेगा कि मैं अगर कहूँ कि देखो बेटा ये अल्लाह का कलाम है, इसमें अल्लाह बोल रहा है, तो हो सकता है जब उसको समझ आएगी पूछेगा अब्बू ये इसमें अल्लाह कहाँ बोल रहा है, कौन सी आयत में बोल रहा है। अब मैं उसको पूरे कुरान में बोल रहा हूँ, पूरे कुरान कहाँ है अल्लाह, कहाँ है अल्लाह, अल्लाह कहाँ है अल्लाह। देखिए मैं फिर वही बात आपसे छोटी सी इख्तिसार में करूंगा, नहनु नक़ुस्सु अलैका, हम तुम पे भेजते हैं। मैंने यही बात की थी सचाला साहब के, अच्छा ठीक है ठीक है। एनीवे सचाला साहब आपसे मैंने शायद आपको तंग किया, लेकिन मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, और शायद कभी बात हो ना हो, लेकिन मैं ये कहूंगा आखिर में कि आप जो बात कर रहे हैं, या तो आप मेरा सवाल उसका जवाब दें, मैंने सवाल क्या किया, या तो उसका जवाब दें, या फिर आप अपनी ही बात को रिपीट कर रहे हैं जिसमें मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं। नहीं, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैंने जो कहना था मैंने कहा। आप बार बार नहनु और इन्ना की बात करें, मैंने कहा कि नहनु और इन्ना पे मेरा इतराज नहीं है, नहनु और इन्ना मेरे नजदीक ये कातिबीन कुरान है, बस खत्म। ओके देखिए वो कुरान से, वो किताब से हट कर बात है। 37 मिनट कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया सचाला साहब, अमित साहब आपने भी मुझे टाइम लिया, टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी बात हुई दोबारा तो इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन सचाला जी ने आपको क्वेश्चन दिया, उस क्वेश्चन को आप पहले समझिए क्या बोल रहे हैं। देखिए इस बारे में फिर इख्तलाफ मैं नहीं करना चाहूंगा, मेरे नजदीक इसका आंसर बड़ा क्लियर था कि नहनु हम भेजने वाले, वो भेजने वाले अल्लाह नहीं है। मैं नहनु की बात नहीं कर रहा, मैं जो है अल्लाह की बात कर रहा हूं। देखिए ये बात अगर आप इतनी बार क्लियर कर चुके हैं, लोग बोर हो रहे हैं। आप सच वाला साहब अपनी मर्जी से अगर कहेंगे कि मुझे नहनु कबूल नहीं है, एक आउटसाइड कलाम नहनु नहीं है, आप बोले कि जो है कलाम नहनु है, बात खत्म। अगर एक किताब आप ईमानियत की बुनियाद पर किसी से जो है आप किसी को कायल नहीं कर सकते, ईमानियत की बात नहीं कर रहा, जोर पर तो हो सकता है लेकिन अकल की बुनियाद पर नहीं हो सकता। सब सला साहब मैंने लॉजिक पे ही बात की थी, मैंने दो उर्दू के आपको आपको दो उर्दू के मैंने ऐसे चले कोई बात नहीं, जैसे आपको सही लगा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सब सला साहब, अहमद साहब मैं ज्यादा तलब कर रहा हूँ, पीछे आवाज रिपीट हो गई किसी की, फिर कभी बात होगी। बहुत बहुत ख्याल रखिए, मुझे आवाज नहीं आ रही है कोई। हाँ, आप YouTube बंद कर दें अपना, वो ड्रॉप हो गए सर। चले ठीक है, अलमुजी जी बहुत शुक्रिया सर। एक छोटी सी सर चला साहब, देखें मैं आपसे इख्तलाफ इल्मी जगह पे, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके लिए कोई नफरत या बुराई बातें लेके जा रहा हूँ, आप अपनी बात रखें। मैं तो एक सीधा सिंपल सा सवाल लेके बैठा हूँ। मैं समझ गया, पूरे कुरान में आप अल्लाह को मुतकल्लिम बताइए, अगर नहीं बता सकते तो फिर ये कहना छोड़ दें कि जो है कुरान का मुतकल्लिम अल्लाह, ये कहना छोड़ दो, बात खत्म हो गई। आयत मेरे नजदीक तो आयत में क्लियर था, लेकिन मैं बहस नहीं करूंगा, बात खत्म हो गई, लिखने वालों और बहस नहीं। लिखने वालों ने इसे लिखा, बात खत्म हो गई, कोई मेरा कोई झगड़ा ही नहीं है। मैं खाली और कुछ नहीं कहूंगा, खुदा हाफिज़। अमित साहब बहुत तंग हो गए, बहुत बहुत शुक्रिया सच वाला साहब। लोग भी तो बोर हो रहे हैं ना कि एक ही बात को आप लिए बैठे हैं, और कल भी परसों भी आज भी तो है, जाहिर बात नहीं, मैं और जवाब नहीं देंगे इस तरह की। ठीक है ठीक है, आप रिपीट कर रहे हैं, आपके पास कोई नई बात है नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी बात हो।